वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मंथली असाइनमेंट नवंबर का सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास नाइन्थ का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर वन पे ध्यान देंगे, है ना। पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन में एक पैसेज दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड नीचे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग पैसेज को रीड करेंगे। चलिए मेरे साथ तुम लोग भी रीड करना। Bees live in a house that is called a hive. There are three kinds of bees: workers, drones, and queens. Only one queen bee can live in each hive. If she is lost or dead, the other bees will stop their work. Bees are very wise and busy little creatures. They all join together to build cells of wax for their honey. Each bee takes its proper place and does its own work. Some go out and gather honey from the flowers. Others stay at home and work inside the hive. The cells which they build are all of one shape and size, and no space is left between them. The cells are not round. They have six sides. It is not safe for children to handle bees. Bees have a painful sting that they use in their defense. ये पैसेज को पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये पैसेज किसके बारे में है, ठीक है। तो ये पैसेज बेसिकली बीज के बारे में दिया हुआ है, है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। में एक नंबर में आपको दिया गया है बीज लिव इन ए। एकदम आसान है, सबसे पहला लाइन में भी आपको मिल जाएगा इसका आंसर। बीज लिव इन ए हाउस दैट इज कॉल्ड ए हाइव। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, हाइव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी क्वीन बीज लिव इन ए हाइव। एक हाइव में कितने क्वीन बी रहते हैं? तो यहाँ पर ओनली वन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल द बीज गो आउट एंड गैदर हनी, यस और नो? ऑल द बीज बोला है यहाँ पर। जो हाइव में जितने भी बीज होते हैं, जितने भी मधुमक्खियाँ होती है, क्या वे सब हनी गैदर करने के लिए जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नो, सभी लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। द सेल्स इन बीज बिल्ड आर, सेल जो सेल बनी होती है मधुमक्खी के बी हाइव में, है ना। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसमें जो सेल बनी होती है वो किस टाइप का होता है? राउंड होता है, नॉट राउंड है, या ओवल साइज का है? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉट राउंड। ओके, नेक्स्ट है बी नंबर में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया गया है, उसमें आप लोगों को फिल करना है। पहले क्या दिया हुआ है? बीज आर वेरी वाइज एंड डैश क्रिएचर। यहाँ पर आपको खोजना है ऊपर में पैसेज कहाँ पर बीज आर वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में क्या छूटा हुआ है, तो उसको आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख सकते हैं बीज आर वेरी वाइज लिखा हुआ है एंड बिजी लिटिल क्रिएचर्स, क्रिएचर्स तो ऑलरेडी लिखा गया है यहाँ पर, तो आपको खाली स्थान में ब्लैंक में क्या लिखना है? बिजी लिटिल। ओके, नेक्स्ट है ओनली वन क्वीन बी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ओनली वन क्वीन बी, फिर कैन के बाद खाली स्थान है, कैन के बाद क्या लिखेंगे? लिव इन ईच हाइव। ओके, फिर क्वेश्चन आंसर है आपका, यहाँ पर मैं ये स्लाइड में आपको लिख के भी बता दी हूँ, बीज आर वेरी वाइज एंड बिजी लिटिल क्रिएचर, ओनली वन क्वीन बी कैन लिव इन ईच हाइव। ओके, नेक्स्ट आपको थ्री क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर द क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। पहला है नेम द थ्री काइंड्स ऑफ बीज, तीन टाइप के बीज रहते हैं उसका नाम क्या है? द थ्री काइंड्स ऑफ बीज आर वर्कर्स, ड्रोन्स एंड क्वींस। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू बीज डिफेंड देमसेल्फ। बीज यानी मधुमक्खियाँ अपने आप को कैसे सुरक्षा करते हैं? बीज हैव ए पेनफुल स्टिंग दैट दे यूज इन देयर डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ क्वीन बी इज लॉस्ट और डेड। अगर क्वीन बी लॉस्ट हो जाती है या डेड, उसका मृत्यु हो जाता है, तो क्या होगा बाकी बी का? द अदर बीज विल स्टॉप देयर वर्क। अगर क्वीन बी, रानी बीज अगर नहीं रहेगी, तो बाकी मधुमक्खियां भी अपना काम करना बंद कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको चार क्वेश्चंस मिलेंगे और जिसका नंबर है 8 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिटेल्स कूड द नरेटर गैदर अबाउट द गर्ल। तो यहाँ पर लिखेंगे द नरेटर कूड गैदर द डिटेल्स दैट द गर्ल वॉज गोइंग टू सहारनपुर एंड हर आंट वॉज मीटिंग हर देयर। नरेटर को गर्ल के बारे में क्या पता चला, तो नरेटर क्या जान पाया उसके बारे में कि लड़की जो थी वो सहारनपुर जा रही थी और उसके आंट उसको वहाँ पर मिलने आ रही थी। ओके, नेक्स्ट है नेम द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन मैन पार्ट। ये मैन पार्ट से जो लेसन है आपका मैन पार्ट, उसी से लिया गया है ये क्वेश्चन। द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन मैन पार्ट आर बुद्ध टेम्पल, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, पारपाटिया, मेहता पॉइंट, देव प्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन मैन पार्ट। मैन पार्ट में कौन कौन सी फेस्टिवल या त्यौहार मनाया जाता है। द डेज ऑफ लॉर्ड बुद्धाज, फर्स्ट स्पीच आफ्टर एनलाइटमेंट, द डे लॉर्ड बुद्धा रिटर्न फ्रॉम हेवन टू मीट हिज मदर आफ्टर अटेनिंग निर्वाण, न्यू ईयर एंड दलाई लामाज बर्थडे। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन मैन पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक मछली वाटरफॉल इज कॉल्ड द मिल्की वे। यहाँ पर लिखेंगे मछली वाटरफॉल सीम्स कैस्केडिंग डाउन लाइक मिल्की व्हाइट सेटिन, सो दिस वाटरफॉल इज कॉल्ड मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले आप लोगों को पोयम को केयरफुली रीड करना होगा और उससे बेसिस में जो क्वेश्चंस मिलेगा आपको नीचे में उसको आंसर देना होगा। तो चलिए पहले पोयम को रीड कर लेते हैं। पोयम का नाम है माई वॉकिंग बूट। ओके, आई हैव टू पेयर्स ऑफ बूट्स फॉर वॉकिंग, वन इज नेवी एंड अदर इज ब्राउन, रियली कम्फर्टेबल दे आर, स्टेप बाई स्टेप अप एंड डाउन ऑन माई ट्रेवल्स अराउंड स्कॉटलैंड, माई बूट्स आर ऑलवेज ऑन, वन डे ब्राउन द अदर डे नेवी, मैनी माइल्स ट्रेवल्ड डस्ट टू डन। ठीक है, इसमें आपको बूट्स के बारे में दिया गया है, नरेटर का जो बूट था उसके बारे में आपको दिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नेवी एंड ब्राउन ये क्या थे, नेम ऑफ द बूट्स, कलर ऑफ बूट्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ पीपल। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, कलर ऑफ बूट्स। बेसिकली नेवी कलर और ब्राउन कलर का नेम तो होता है और किसका कलर है यहाँ पर, बूट का कलर। ओके, द वर्ड्स दैट शो द एक्ट ऑफ वॉकिंग इन द पोयम आर। एक्ट ऑफ वॉकिंग को कौन सी ऐसे वर्ड्स शो कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्टेप बाई अप एंड डाउन, ये वॉकिंग को शो कर रहा है। द बूट्स ऑफ द पोएट आर डैश, जो बूट्स थे पोएट का उन लोग कैसे थे, नॉट कम्फर्टेबल, वेरी कॉस्टली, ऑलवेज ऑन, गुड लुकिंग, यहाँ पर ऑप्शन सी ऑलवेज ऑन हो जाएगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है जिसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज आई इन द पोयम, आई इज द पोएट इन द पोयम। आई कौन है यहाँ पर, पोएट है ना, पोयम का पोएट। अराउंड व्हिच कंट्री डिड ही ट्रैवल, ही ट्रैवल्ड अराउंड स्कॉटलैंड। आप अच्छे से पोयम को पढ़ोगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। हाउ मेनी बूट्स डज द पोएट हैव, द पोएट हैज ए पेयर ऑफ बूट्स, पोएट हैज टू पेयर ऑफ बूट्स ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई हैव टू पेयर ऑफ बूट्स। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग टू पेयर ऑफ बूट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइप करते टाइम गलती हो गया है, ए नहीं आएगा यहाँ पर, टू आएगा। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ बूट्स, वन इज नेवी एंड अदर इज ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच क्वालिटी ऑफ वॉकिंग बूट्स मेक द पोएट वेरी हैप्पी, कैसे क्वालिटी का वॉकिंग बूट पोएट को खुश रखता था। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कंफर्टेबल वॉकिंग बूट्स मेक द पोएट वेरी हैप्पी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यू आर अनिल शर्मा द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ बाल भारती पब्लिक स्कूल बिलासपुर,
You have been asked to inform the students of your school about an inter-school dance competition. Draft a notice with all necessary information. यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है और आप कौन हो? अनिल शर्मा हो और आपका डेजिग्नेशन क्या है? कल्चरल सेक्रेटरी हो आप, है ना? और आपके स्कूल का नाम क्या होगा? बाल भारती पब्लिक स्कूल. और टॉपिक क्या होगा? इंटर स्कूल डांस कंपटीशन. नोटिस का आधा से ज़्यादा तो क्वेश्चन में ही मिल गया हम लोगों को. तो चलिए नोटिस लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बाल भारती पब्लिक स्कूल बिलासपुर नेम ऑफ द स्कूल लिख देंगे. उसके बाद नोटिस NOTICE कैपिटल में लिखेंगे. नेक्स्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको डेट मेंशन करना होगा आज का 9 नवंबर 2021, ठीक है. उसके बाद में नीचे में आपको टॉपिक लिखना होगा जो कि है इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन. फिर आप अपना बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे. नोटिस का जो मेन हिस्सा होता है, This is to inform all the students of our school that the inter-house dance competition will be held on 26th November. Those who are willing to participate should give their names to the undersigned by 20th November. Venue क्या रहेगा? School auditorium. Time क्या रहेगी? 11:30 AM. ठीक है. और नीचे में अनिल शर्मा लिखेंगे, cultural secretary. यहाँ आप अपना नाम mention नहीं करोगे. जो नाम आपको question में दिया गया है उसी नाम से आप नोटिस लिखेंगे, ठीक है. और उसका साइन रहेगा ऊपर में. और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि नोटिस लिखने के बाद आपको उसको एक बॉक्स के अंदर में रखना है, क्योंकि बॉक्स के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलता है, ओनली फॉर बॉक्स. ओके, तो इस बात को ध्यान देंगे, बॉक्स में रखना जरूरी है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ग्रामर से रिलेटेड है. डू एज डायरेक्टेड. पहला क्वेश्चन है दिस फर्नीचर ब्रैकेट में इज और आर वेरी स्ट्रांग. देखो यहाँ पर फर्नीचर के साथ इज आएगा कि आर आएगा? इज आएगा. क्यों? क्योंकि फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है. प्लूरल नहीं बनेगा तो उसके साथ इज का यूज होगा. नेक्स्ट है वन ऑफ द चिल्ड्रन हैव या हैज गॉन फॉर NCC कैंप. वन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों यहाँ पर बेसिकली बच्चे लोग गलती कर देते हैं. चिल्ड्रन को देख के उन लोग हैव का यूज करेंगे, लेकिन गलत है. हैव नहीं, यहाँ पर हैज का यूज होगा. क्यों यूज होगा? चिल्ड्रन तो है लेकिन बच्चों बच्चों में से कोई एक गया होगा, है ना. वन ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो है बहुत सारे लेकिन उसमें से गया कौन है? ओनली वन. तो इसीलिए वन के लिए हैज. नेक्स्ट है द सीजर्स इज और आर ऑन द टेबल. सीजर्स कहाँ पर है? टेबल में है. तो सीजर्स के साथ हमेशा कौन सा वर्ब का यूज होगा? प्लूरल, है ना. दैट इज आर सीजर्स, एस लगा हुआ है. और सीजर्स का सिंगुलर अगर हम लोग बनाएंगे तो सीजर खाली नहीं लिखेंगे, सीजर्स में अ पेयर ऑफ जोड़ेंगे, ठीक है. अ पेयर ऑफ सीजर्स के साथ इज लगेगा और खाली सीजर्स अगर दिया हुआ है तो आर का यूज होगा. नेक्स्ट है ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज या हैव हिज ओन बाईसाइकिल. यहाँ पर भी ब्रदर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास अपना बाईसाइकिल है. प्रत्येक यानी हर एक के पास, है ना. तो प्रत्येक हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी हैज का यूज होगा. नेक्स्ट है द न्यूज वाज और वे आर बेटर देन एक्सपेक्टेड. और न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर दैट इज वाज लगेगा. न्यूज भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है. ओके, आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय करके अपना सोल्यूशन देख लिए होंगे, है ना. आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना. चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और पास में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस करके ऑल में आप लोग प्रेस करोगे तभी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.